कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व पलवल जिले की महिला अध्यक्षा सविता चौधरी का हथीन के गांव में दौरा आए दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्षेत्र के गांव में महिलाओं का सविता चौधरी को भरपूर सम्मान मिल रहा है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व पलवल जिले की महिला अध्यक्षा सविता चौधरी का हथीन के गाँव हुंचपुरी में जोरदार स्वागत किया गया। गाँव की महिलाओं ने उन्हें गले लगाकर फूलमाला डालकर व शॉल भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी वर्ग के लोगों को सम्मान नहीं मिला है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। आज महिला व बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित मान रही हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिए बल्कि करीब 65,000 लोगों की नौकरियों से निकाल दिया। ये सरकार गरीब, मजदूर, किसान व महिला विरोधी है। सविता चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनावों में लोग राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट करना है, साथ ही भाजपा के नेताओं से भी बचकर रहना है। भाजपा वाले केवल झूठ की राजनीति करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही किसानों व दुकानदारों के कर्जे माफ किए जाएंगे। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। हम लोगों के अंदर वो जहर प्रो दिया, हम लोगों को उस तरीका से त्राही त्राही कर दिया कि जातिवाद के नाम पर राजनीति करने का उन्होंने एक प्लान बनाया था, चाहे राम मंदिर है चाहे मस्जिद है। लेकिन मोदी जी ने ये हथकंडा अपनाया था अपनी सरकार 2014 में बनाने में। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्तियों के खाते में 14-14 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी भी एक व्यक्ति के खाते में 14-15 लाख रुपए आए? कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर बोल दो कि भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने हमारे खाते में 15 लाख रुपए डाले। आए किसी के खाते में भी? शायद 14 रुपए भी नहीं आए। इस अवसर पर गांव हुंचपुरी में पुरुष व महिलाओं ने सविता चौधरी को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस लीडर सविता चौधरी ने मुक्ता देवी को महिला कांग्रेस की जिला महासचिव, हंसीरा बेगम पचानका व सरमीना हुंचपुरी को ब्लॉक उपाध्यक्ष मनोनीत किया। वहीं कांग्रेस कृषक समाज के जिला अध्यक्ष राजकुमार बेदी ने साहिद खान पचानका व फखरुद्दीन हुंचपुरी को ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया है। हथीन से सुखदेव तेवतिया। एक बार फिर बजी जींद में चुनाव की रणभेरी। एक बार फिर मैदान में उतरेंगे सियासी योद्धा। कौन लड़ेगा विकास के मुद्दे पर? कौन खोलेगा सत्ताधारियों की पोल? क्या भाजपा जीत पाएगी ये सेमीफाइनल, या फिर विरोधी बजा देंगे ढोल? जींद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जींद की जंग, केवल सत्य खबर पर। आज ही लॉगिन करें www.satyakhabar.in पर। सब्सक्राइब करें YouTube/satyakhabar। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।